इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने कासल के अंदर विलेजर को कैसे लाते हैं। तो मैं कुछ सिंपल टिप्स देने वाला हूँ आपको, जिसकी मदद से आप बहुत लंबी दूरी को आसानी से तय करके विलेजर को अपने कासल में ला सकते हैं। और मैंने अपने कासल में विलेजर को कैसे लाया है तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो विलेज में जाना है किसी में जहाँ पे विलेजर रहते हैं नॉर्मली, तो आपको वहाँ से सारे बेड और जो भी इनके जॉब देने की चीज़ें होती है उनको आपको तोड़ देना है। उससे क्या होता है कि जो बेड्स होते हैं जिस पे ये सोते हैं और जो जॉब होती है वो काम करते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे रहते हैं। तो हम यही चीज़ें होती हैं इनको हम यहाँ से हटा देंगे तो ये विलेजर यहाँ पे काम नहीं कर सकते, काम होगा नहीं इनके पास, तो ये क्या करेंगे। तो इसीलिए हमको इनको बेड हटा देना है और तब ये विलेजर अपने विलेज से बाहर खड़े हो जाएंगे या फिर दूर जा कर खड़े हो जाएंगे। तो हमको ऐसे ही सारे के सारी चीज़ें हटा देनी हैं, जिससे क्या होगा कि जो विलेजर होंगे वो विलेज से बाहर खड़े हो जाएंगे, जिसकी मदद से हम आराम से इनको यहाँ से पिकअप कर सकते हैं और अपने कासल में ले जा सकते हैं। तो देखो विलेजर बाहर आ चुके हैं और यहाँ हम कंपोस्टर रख के पता कर सकते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो ये ग्रीन साइन इसलिए दे रहा है क्योंकि कोई है जो जिसने हमने काफ़ी सारे जो कंपोस्टर हटा दिए थे तो उनका जो जॉब है वो चला गया है, तो ये जॉब चाहते हैं करें। तो अब हमको क्या करना है, जो विलेजर हैं उनके पास बोट को रखना है और बोट में बैठते ही आपको यहाँ से इनको लेके रवाना हो जाना है। तो बोट यहाँ पे बहुत धीरे चलने वाली हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे जा सकते हैं और आप ऐसी जगह ढूंढें जहाँ से आप पार्ट्स चल सकते हैं, जैसे कि पानी वगैरह हो तो पानी तक आप इन्हें बिठा कर ले जा सकते हैं। तो जैसे मैं ले जा रहा हूँ इनको, तो ऐसे तो अगर आपको रिवर वगैरह मिल जाती हैं तो आप आसानी से इनको यहाँ से पिकअप करके लेके जा सकते हैं। और आपको सीधा सीधा चलना होता है, ये ऊपर भी आते हैं लेकिन आप आगे बताऊंगा कि आप इनको कैसे जंप करवा सकते हैं बोट को, तो हम ये आगे देखेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि आगे रिवर हैं तो हम रिवर की मदद से चलते हैं क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी फास्ट और आसानी से आराम से जा पाएंगे। ये बोट बहुत धीरे चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे लीड से बांध के इसको लेके जाएं, लेकिन मेरे पास लीड नहीं थी तो मैं घर पे जा रहा था लेकिन मेरे को बीच में ये मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मार के इससे लीड ले लें। तो मैंने सोचा इसको मारना नहीं चाहता था लेकिन मेरे को लीड चाहिए थी तो मैंने इसको मार दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम यहाँ से कुछ लकड़ी को काट देंगे और हमको और बोट्स ही, हमारे पास सिर्फ एक ही बोट्स है, तो हम यहाँ पे लकड़ी से दो और बोट्स बना लेते हैं ताकि आसानी से हम और भी विलेजर को एक साथ में ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक विलेजर को लेके गया तो कितना टाइम लगने वाला, कितना टाइम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सारे विलेजर हैं, एक दो और विलेजर हैं जिनको साथ में ले जाएंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और आराम से हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे और दो विलेजर हैं तो इनको हमें ले जाना है, तो ये बोट में नहीं बैठ रहा है तो हमें इनको मारना वगैरह नहीं है, जैसे हमारे टेक्नो गेमर मारते हैं कि एक रेप्टा मारना पड़ेगा तो वो अंदर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आराम से हम धक्का दे सकते हैं पोलाइटली तो ये अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक और आ चुका है हम, तो इसको भी हमें बैठाना। ये क्या, देखो घोड़ा हमारा इसके अंदर बैठ रहा है, तू चल सकता है भाई, तू क्यों इसके अंदर बैठ रहा है, इसको यहाँ बांध देते हैं ना, तो पागल है अंदर बैठ रहा है। तो इसको भी, अरे वाह ये तो बहुत टैलेंटेड है, अपने आप बोट के अंदर बैठ गया। तो ठीक है इसको लीड से बांधते हैं और इनको हम साइड में कर देते हैं। एक और विलेजर है तो हमारे पास एक और बोट भी है तो हमें इसे भी हमें ले जा सकते हैं साथ में, तो चलो ठीक है। तो अब हम इन दोनों को साथ में ले जा सकते हैं लेकिन हमारा घोड़ा इसको कैसे ले जाएंगे, तो इसको हमें घोड़े को भी इसके अंदर ही बिठाना पड़ेगा। तो पहले हमको इनको आगे ले जाते हैं, घोड़े की लीड्स खोल देते हैं और घोड़े को अंदर बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घोड़ा कहाँ जा रहा है, पहले तो अपने आप बैठ रहा था अब है कि भाग रहा है। तो घोड़े को हम लाते हैं पकड़ के, कहाँ गया चलो, क्योंकि घोड़ा बहुत ज़रूरी है, कई बार आना जाना रहता है और घोड़ा मिलते ही नहीं है, और मिलते हैं तो बहुत कम, सो हमें इसको अंदर बिठा देना है और बैठ जा भाई अब नाटक कर रहा है देखो। चलो फाइनली अंदर बैठ गया, बड़ी मुश्किल से बैठा ही है। तो इसकी हम लेस है आगे की तरफ बांधेंगे, क्योंकि अगर पीछे की तरफ बांधेंगे तो वो
घोड़े के बन जाएगी और घोड़ा अंदर से निकल जाएगा। सो हमको धीरे धीरे यहाँ से इनको लेके जाना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये लीड्स टूट रही है। मेरे को लीड्स मजबूत चाहिए। माइनक्राफ्ट वालों को बोलना पड़ेगा कि आप मजबूत लीड डालो, जिसकी मदद से हम ये लीड टूटे ना, और हम जितना चल सकते हैं उतना धीरे धीरे अपने आप चलते रहें। तो हमें इनको ले जाना है उसके पास, और फिर हम सबको साथ में लेके जाएंगे। अरे वाह, एक के ऊपर एक, ये तो अच्छा है ना, बहुत सही है। फिर तो ये एक लीड से काम चल जाता है ना इनका, तो नहीं क्या पता कहाँ जंप आ जाए, कहाँ नीचे गिर जाए ये एक दूसरे के, तो फिर दो लीड्स सही है। तो हमको इन्हें भी उन्हीं के पास में ले जाना है, पानी की मदद से इनको भी ले जाएंगे। तो देखो पानी के अंदर गिर चुके हैं, अरे तो डस्ट हटा देते हैं हम सारी, और फिर आसानी से हम ले जाएंगे। तो ठीक है चलो चलो, एक टूट गया है, काफ़ी दूर था घोड़े वाला, सो टूट गया, तो कोई बात नहीं, हम एक को ये ले जाते हैं पहले और फिर दूसरे को हम ले जाएंगे, क्योंकि दोनों शायद नहीं आएंगे, क्योंकि वो बीच में अटक जाते हैं तो फिर आसानी से नहीं आ पाते हैं। तो हम एक को ले जाते हैं पहले, चलो ठीक है। तो ये आ गया आराम से, इसको हम उसके पास में ले जा सकते हैं। तो दोनों को हमने साथ में लेके आ रहे हैं हम, और अब हम अपनी बोट में बैठकर निकलने वाले हैं। तो मैंने पहले देख लेता हूँ कि कहीं क्या बोट में बैठने से लीड वगैरह टूट जाते हैं या फिर नहीं, तो चलते हैं धीरे धीरे। तो ठीक है, सारे आ चुके हैं, बीच में एक ब्लॉक अटक रहा है, तो आराम से खुलवाते हैं और चलते हैं आगे। खरगोश आजा साथ में चलना हो तो, नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम पानी की मदद से हम जा सकते हैं, क्योंकि पानी से हम आराम से जा सकते हैं। मेरे को डर लग रहा है कहीं टूट ना जाए पीछे से लीड्स वगैरह, फिर पानी में गिरेगी तो फिर ढूंढनी पड़ेगी हमको और फिर प्रॉब्लम। सो पानी में बेसिकली टूटती नहीं है, क्योंकि पानी में भी बोट फास्ट चलती है, जैसी हमारी बोट चलती है तो उतनी ही पीछे वाली बोट्स फास्ट चलती रहती है। लेकिन मुझे डर रहता था इसलिए मैं बार बार घूम घूम कर देख रहा हूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है अगर गिर जाते हैं पीछे या छूट जाते हैं तो फिर वापस उठाओ, और बहुत प्रॉब्लम है इनको। तो रिवर काफ़ी हेल्प कर दी मेरी, काफ़ी पास तक पहुंच गए हैं। अब हम इसको जंप कैसे करवाते हैं, देखो अगर आपको जंप करवाना है तो आप ऊपर, आप हाई टॉप पे चले जाएं, और इनको अगर नीचे होते हैं, आपको जंप नीचे से करवाना होता है तो आप ब्लॉक रखें और देखो ऐसे जंप करें एक दो बार, तो ये बोट्स अपने आप कूद के आ जाएगी। लेकिन ये बोट सिर्फ ब्लॉक से ब्लॉक में कूदती है, लेकिन अगर आप रिवर से या फिर पानी के अंदर ये बोट्स हैं तो वो नहीं कूदेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अलग से एक लाइन बना दो ब्लॉक तोड़ के, और वहाँ से आप निकाल दो, और वहाँ से पानी को बंद कर दो, फिर जंप करवा के आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने रिवर पे ब्लॉक रख के इनको आराम से ऊपर ऊपर लेके आ गया था। तो हम अपने कासल तक पहुंच गए, बहुत टाइम लगा, कम से कम आधा घंटा या घंटा लगा मुझे अपने कासल तक आने में, क्योंकि ये कितने धीरे धीरे चलते हैं, अगर थोड़े से भी फास्ट चलें तो ये तो इनकी लीड टूट जाती है। तो यहाँ पे अभी दोनों साथ में नहीं आ रहे, तो हमको एक एक करके लाना पड़ रहा है। तो चलो ये अंदर आ गया, तो फाइनली हमने अपने विलेजर को अपने कासल में ला लिया है। और मैं नहीं चाहता अपना कासल पूरा बताना, क्योंकि मैंने अभी तक इसका ट्यूटोरियल और टूर नहीं किया है, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अपने हमारे कासल का टूर चाहते हैं तो जल्दी से जमीन कमेंट करके आप हमको बता दें। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो ये टूर की वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय।